ये जो हुजूर अलैहि सलातो अस्सलाम ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुजूर ने फरमाया हुसैन मुझ से है और मैं हुसैन से हूं। ये हुजूर ने क्यों फरमाया? ये इसीलिए फरमाया हुसैन मुझ से है और मैं हुसैन से हूं, यानी मेरा इस्लाम बचेगा तो हुसैन की वजह से बचेगा। आप यकीन जानिए, लोग जीते हैं बच्चों के लिए। आप अगर कारोबार करने जा रहे हो तो आप यही जुबान इस्तेमाल करेंगे ना, मैं पा आटे का कमान चले हैं बच्चियां वास्ते, यही बोलेंगे ना, पा आटे का कमान चले हैं बच्चियां वास्ते। लोग कहते हैं भाई ये क्यों बना रहे हो, घर क्यों बना रहे हो, बच्चियां दे काम आएगा जी मेरे बाद फिर। ये कोठी क्यों बना रहे हो, बच्चियां दे काम आएगा जी। बंदा जीता बच्चों के लिए है, बंदा मेहनत करता है, मशक्कत करता है, दिन रात एक करता है, कारोबार करता है, कारखाना खोलता है, फैक्ट्री बनाता है, एक मकसद के लिए, क्या बच्चों की जिंदगी बन जाए, मेरे बच्चों की, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल समर जाए। बच्चे ये ना कहें साढ़े अब्बे और साढ़े वास्ते बनाया कुछ नहीं। बंदा बच्चों के लिए जोड़ता है, जमा करता है, और उधर रब का हुक्म है रसूल को, कुल ला अस्अलुकुम अलैही अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ मेरे महबूब, आप ऐलान कर दीजिए कि ऐ लोगों, मैंने तुम तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाया, तकलीफें झीली, तुम्हारे ताने बर्दाश्त किए, हिजरत काटी, मक्का शहर छोड़ा, मेरा खून बहाया गया, मुझे तीर मारे गए, मेरे दंदान जख्मी किए गए, मुझे तकलीफें दी गई, इन तकलीफों के बदले में तुमसे कुछ भी नहीं मांगता, हां एक चीज मांगता हूं, मेरी आल से प्यार करना, मेरे बच्चों से, मेरे अली से प्यार करना, मेरी फातिमा से प्यार करना, और अली और फातिमा की औलाद से प्यार करना। अब यहां सवाल पैदा होता है, अगर हर कोई बच्चों के लिए जीता है तो हुजूर भी शायद माज़ल्ला अस्तग़फिरुल्लाह बच्चों के लिए जीते रहे? इस्लाम का निजाम चलाकर तो यही कहा मेरे बच्चों से प्यार करना, बस तुमसे और कुछ नहीं मांगता, बच्चों से प्यार करना। समझ लो, मेरे मुस्तफा करीम ने इस्लाम बच्चों के लिए नहीं चलाया, बच्चे इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिए। नहीं समझ आई यार आपको, मैं अब क्या कहूं, इस्लाम बच्चों के लिए नहीं चलाया। कोई इस्लाम का मुखालिफ एतराज कर सकता था, आका अलैहि सलातो वसलाम ने तो यहां तक इरशाद फरमा दिया, ला तहिल्लु सदकता लिआल मुहम्मद, फरमाया गरीबों को सदका दो, मिस्कीनों को दो, नादारों को दो, मुस्तहिकीन को दो, मगर मेरी आल को सदका ना दो, क्योंकि सदका मेरी आल के लिए हराम है। सदका मेरे बच्चों को ना देना, सदका सैयदों को ना देना। क्यों? ताकि कोई ये ना कहे नबी ने दीन चलाया इसलिए था ताकि बच्चों का पेट पलता रहे। ना ना, हुजूर ने फरमाया मैंने इस्लाम चलाकर कोई दुकानदारी नहीं की, तुम्हें अल्लाह से मिलने का रास्ता दिखाया है। हां सदका दोगे किसी गरीब को देना, मगर मेरे बच्चों को ना देना। हुजूर फरमाते हैं मेरे बच्चे मेरी आल सदका देगी मगर लेगी नहीं। हुजूर ने तो यहां तक फरमा दिया ये तो अपनी जान तक दे देंगे, ये तो अपना खून तक दे देंगे। इसीलिए आका अलैहिस्सलाम उन्हें अपने कंधों पे बिठा के मदीना की गलियों में फिरते थे, घूमते थे। ऐ लोगों देख लो, आज इन्हें मैं कंधा दे रहा हूं, कल जब मेरे दीन पे नाजुक वक्त आएगा, जब मेरे दीन का खिलवाड़ किया जाएगा, जब मेरे दीन का मजाक उड़ाया जा रहा होगा, मेरे दीन को जिंदा करेंगे, मेरे दीन को सहारा देंगे, तो मेरे ये बच्चे मेरे दीन को सहारा देंगे। बच्चों को दीन के लिए कुर्बान किया है, बोलिए बच्चों को दीन के लिए कुर्बान किया है, ताकि आने वाली नस्लों को भी, मां बाप को भी ये सबक मिल सके कि बच्चों को सिर्फ दुनियादार ना बनाना,
बच्चों को दुनियादार भी बनाना मगर उन्हें पहले दीनदार बनाना। कौन नहीं समझ आई? पहले उन्हें, हाँ पहले उन्हें दीन पे चलाना। अगर दीन पे चलने वाले बन गए तो फिर उनके ऊपर दुनिया गालिब नहीं आएगी,